कार मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल रूट 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर उत्तराखंड के चमोली से। होली का महापर्व धूमधाम से मनाया गया सभी ग्रामीण इलाकों में। बता दें हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी चमोली जिले में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया होली का महापर्व। आपको बता दें कि जिले के ऊंचाई वाले ग्रामीण इलाकों में भी हर साल की तरह इस साल भी स्थानीय लोगों ने जमकर मनाया होली का पर्व। अगर बात करें पिछले वर्ष की, तो पिछले वर्ष कोरोना महामारी के कारण सभी ग्रामीण इलाकों में होली का महापर्व सूक्ष्म रूप में मनाया गया था, जिस कारण पिछले वर्ष ग्रामीण इलाकों में सन्नाटा पसर गया था। आज के दिन लेकिन इस वर्ष सभी ग्रामीण इलाकों में होली का महापर्व बड़े ही धूमधाम से जमकर मनाया गया। हालांकि देर शाम को सभी ग्रामीण इलाकों में होलिका दहन किया गया। आपको बता दें कि होलिका दहन के शुभ अवसर पर स्थानीय ग्रामीणों ने गढ़वाली गानों की धुन पर सुंदर नृत्य का आयोजन भी किया। रिपोर्ट देखिए चमोली से नवीन सिंह के साथ। केस कम आ रहे हैं और लगभग कोरोना थोड़ा दूर ही होता जा रहा है, तो इस बार काफ़ी उत्साहित से लोग होली मना रहे हैं। खासकर हमारे गांव बड़गांव में बहुत उत्साहित हैं लोग और काफ़ी ढंग से होली मना रहे हैं। आज जिस पर अच्छा पूरे देश में हर तरह से लोग होली का बसंत उत्सव के होली को मना रहे हैं, लोग अलग तरह से उत्साह है, क्योंकि लोग 2-3 साल के बाद हम लोग होली मना रहे हैं और रंगों के खेल खेल रहे हैं, और गांव-गांव बच्चे युवा बुजुर्ग महिलाएं सब लोग होली में खुश हैं। इस होली का प्रोत्साहन ऐसा लग रहा है जैसे लोग पहली बार लग लोगों के मन कितने सर्व होली खेले। इसे 2022 का जो होली खेली जा रही रंग बिरंगी बहुत मस्त खेली जा रही। धन्यवाद। होली का जश्न पूरे उत्तराखंड में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। बड़ी बात तो यह है कि ग्रामीण इलाकों की अगर मैं बात करना चाहूं तो ग्रामीण इलाकों में भी होली का जश्न लोग मनाते हुए देखे जा रहे हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से गांव की जो छोटी छोटी लड़कियां होती है वो किस तरीके से होली का यहां पर जश्न मनाते हुए देखे जा रहे हैं। हालांकि इनके चेहरे पर देखी जाए तो कितनी मुस्कान इस वक्त देखी जा रही है। इन लोगों का कहना है कि पिछले वर्ष की भांति ये लोग जो है कि होली का जश्न नहीं मना पाए, लेकिन कोरोना के बाद हालांकि इनको जो है कि थोड़ी जो राहत जरूर मिली है, लेकिन इस वर्ष इन्होंने बताया कि होली का जश्न वो लोग अपने गांव में जम के मना रहे हैं। कैमरामैन साथी अविनाश डुंगरियाल के साथ नवीन सिंह की खास रिपोर्ट। वैद्य सुखवीर सिंह एतमादपुर आगरा की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रतन घी डिपो शुकोहाबाद के डायरेक्टर अनिल कुमार जैन की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। नीता पांडे समाज सेवी फिरोजाबाद की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर प्रताप सिंह नगर स्वास्थ्य अधिकारी फिरोजाबाद की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। न्यू सेंट स्टीफन पब्लिक स्कूल एतमादपुर आगरा के डायरेक्टर कुलदीप वर्मा की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को नमस्कार, मैं चंद्र ऑटो ट्रेडर्स की तरफ से रजत चैन सभी देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि आज से अपन सभी अपने जीवन में इन कलर्स की तरह इस जिंदगी को रंगीन करेंगे, और सभी को मेरी तरफ से और माँ भगवती की तरफ से मैं चाहूँगा कि सबके यहाँ मंगल हो, सबके यहाँ कलर की तरह जितने जो हमारे कलर्स हैं उनकी तरह से सबको बहुत बहुत उनके जीवन में रंगीन हो। थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से सबको हैप्पी होली। भारतीय जनता पार्टी शुकोहाबाद के जिला महामंत्री अवधेश कुमार पाठक की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मुनेश कुमार श्री महावीर ढावा NH2 वेस्ट प्राइस जलेसर आगरा की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानपति नारायण दत्त उर्फ नीरज यादव की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सागर कॉलेज ऑफ फार्मेसी मोहम्मदाबाद टूंडला के चेयरमैन SK सागर की तरफ से होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को भाजपा के मंडल महामंत्री योगेंद्र लोधी की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं शिवशंकर झा डायरेक्टर ऑफ झा क्लासेस फिरोजाबाद सभी जनपदवासियों देशवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और इसी साथ साथ सभी बरात नाम से एक मुस्लिम भाइयों का पर्व होता है उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ये जो पर्व है होली का पर्व हो कोई पर्व ये बहुत ही खुशहाल पर्व होता है, विशेषकर भाईचारे का पर्व होता है। इसमें सभी
जो भी हमारे देश के नागरिक हैं और कहीं दूसरे जो जॉब कर रहे हैं या विदेशों में भी जॉब कर रहे हैं, तो वो अपने अपने घर पर आते हैं, वतन के लिए आते हैं, तो बहुत ही अच्छी तरह से उनके सर्विसेज। आप सभी को वसीम खान फिरोजाबाद की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सोहेल अब्बास फिरोजाबाद वार्ड नंबर 70 से संभावित पार्षद प्रत्याशी की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।